हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अभी अपना चल रहा है माइनर टेस्ट सीरीज का। माइनर टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें अपना चल रहा है माइनर नंबर 07। तो सेवेंथ माइनर में आपके जो टॉपिक हैं वो हैं आपके एओडी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, स्टेटिस्टिक्स और रीजनिंग। तो इसका पेपर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन का। तो इसमें अपन देखते हैं टोटल क्वेश्चन 25 हैं आपके, 20 हैं आपके एमसीक्यू और 5 हैं इंटीजर टाइप। तो इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ सीएलसी सीकर से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप एक बात देखो, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें क्या है अपने पास, उसमें है अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2005 अपॉन कॉस टू द पावर 2005x। तो एक काम करो आप, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लो। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा बोलो, सेक हो जाएगा। तो सेक टू द पावर 2005x dx माइनस जो दूसरा वाला पार्ट होगा 2005 के नीचे क्या आएगा, कॉस टू द पावर 2005x dx। अब एक काम करो, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है इसको अपन एवेल्यूएट कर लेते हैं। इसको मैंने कंप्लीट इसको मान लिया आई। तो इस फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट करने के सोचूं मैं, तो क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट में अपन देखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। बाकी आईलेट से भी आप सोच सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। बाकी इसमें साफ दिख रहा है मेरे को कि इसको मेरे को इंटीग्रेट करना ईजी है और इसको डिफरेंशिएट करना। तो क्या करूंगा मैं, इसको मान लूंगा सेकंड फंक्शन, इसको मान लूंगा फर्स्ट फंक्शन। तो हो गया आराम से। अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। फॉर्मूला क्या होता है अपना इंटीग्रेशन बाई पार्ट का? तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो एक काम करते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा बोलो, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस एन आगे लगा दिया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो कितना हो जाएगा 2005 सेक टू द पावर कितना बचेगा 2004 एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वही पहले की तरह। तो माइनस का क्या आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू में क्या आएगा डी एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आगे माइनस क्या चल रहा है ये जो है वो क्या है अपने पास, जो भी है सेम। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है यहां पर, सेक एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, और यहां पर क्या है कॉस अपॉन साइन एक्स। तो कॉस, अच्छा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सीधे काट दो इसको। तो चलो, और सेक एक्स क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी पावर 2005। अब 2005 सेक की पावर 2005 और यहां भी क्या है 2005 sec की पावर 2005, ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव। तो इससे ये जो सेम वाला पार्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया। तो इसको क्या लिख लो आप, cos अपॉन साइन करके लिख लो। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, cos अपॉन साइन, तो ऊपर आ गया cos और नीचे जाएगा साइन एक्स इंटू दिस, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, अच्छा कॉट में है ऑप्शन तो कॉट में रहने दो, कॉट इसको ले जाओ नीचे। तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन में cos की पावर 2005, और कैसा आ रहा है ये नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका मतलब। चलें आगे, चलो चलो सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस। तो देखो जब भी पावर रेशनल है तो आप कोशिश करो पहली बात तो कि ये चेक करो कि ऊपर नीचे जो पावर है क्या उन दोनों में कुछ पावर कॉमन आ रही है। इसका मतलब ऊपर है 2/7 और नीचे कितना है 9/7 है क्या, यस 9/7। तो एक काम करते हैं, 2/7 + 1 कितना होता है 9/7, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं। कैसे लिखूंगा इसको मैं, इसको मैं लिखूंगा यस, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल टू द पावर 2/7, इसमें एक बच जाएगा नीचे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 1 इंटू डी थीटा, ये आ गया। अब एक काम करो आप, क्या करोगे, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का पावर कितना है 2/7, तो यहां से तो आ गया टेन की पावर 4/7 थीटा बाई 2। बोलो गलत तो नहीं है, आगे समझ में याद आया ना ये फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और टेन स्क्वायर की पावर 2/7 है तो टेन की पावर 4/7 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, कितना था 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 और आएगा इसका मतलब नीचे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलें आगे, चलो ये आ गया। अब आप देखो कुछ मत करो, टेन थीटा बाई 2 को क्या मान लो आप, टी मान लो, तो टेन थीटा बाई 2 को यदि टी पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू हाफ
इंटू डी थीटा बराबर डी टी, तो ये जो कंप्लीट है ये तो क्या बन जाएगा आपका डी टी बन जाएगा, कब, जब मैं टेन थीटा को, टेन थीटा बाई टू को क्या मानूंगा टी, तो ये बन जाएगा आपका कुल मिला के टी टू दी पावर 4 अपॉन 7 इंटू डी टी, क्योंकि जो हाफ आएगा वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया अपना आंसर, टी की पावर प्लस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 7 और 4 11, 11 बटे 7 होल अपॉन 7 बटे 11 प्लस सी। टी की जगह क्या रिप्लेस करना है अपने को, टेन थीटा बाई टू, तो कर लोगे आराम से। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है क्या, टेन थीटा बाई टू की पावर 11 अपॉन 7, ठीक है। ऑप्शन तुम चेक कर लेना एक बार, है ना, कौन सही लगा है ना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कह रहा है ये, थर्ड में ये कह रहा है आपसे, थर्ड में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल टू द पावर 3 बाई 2। तो एक काम करो इसमें, इसमें क्या करो, या तो क्या करो नीचे वाले को टी स्क्वायर मान लो, लेकिन लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो एक काम करते हैं अपन, सीधे सीधे पहले इसमें से कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, पावर कितना है 3 बाई 2 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा बाहर बताओ, सोचो थोड़ा सा आराम से, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने अंदर से, उसकी पावर कितना है 3 बाई 2, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, तो कितना बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा एक्स क्यूब, तो बाहर जो आएगा वो क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3 बाई 2। यहां तक बात आ रही है समझ में मेरी, इसके बाद क्या करेंगे अब अपन, एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये इस पूरे के जो नीचे है वो क्या है, ये 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3 बाई 2। इंटीग्रेशन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बेस पे आपको समझ आएगा कि कब क्या पुट करना है ना, बाकी तो सारे सारे टाइप्स आपको पता ही है ना। चलो चलते हैं अब इसको आप ध्यान से देखो, इसको यदि आप टी मान लेते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ये देख लेते हैं अपन। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, 4 अपॉन एक्स का आएगा माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, याद कर लो ये दो तीन चीजें है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, कुछ चीजें आपको बहुत टिप पर होनी चाहिए ना। तो 1 प्लस 4 अपॉन एक्स, 4 अपॉन एक्स का हो गया माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आगे वाले पार्ट का हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, सही है। अब इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्या ये ऊपर प्रेजेंट है, यस बिल्कुल अवेलेबल है अपने पास इसका डेरिवेटिव 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो 2 है आगे माइनस 2 वो तो चला जाएगा डी टी के साथ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के ये जो आपके पास फॉर्मेट बनने वाला है, ऊपर तो आने वाला है माइनस का हाफ डी टी, बोलो गलत तो नहीं कह रहा, माइनस का हाफ डी टी आ गया, और नीचे क्या आने वाला है, नीचे क्या है अपने पास, ये है उसको मैंने टी माना था, तो उसको टी माना था तो क्या हो जाएगा टी का पावर 3 बाई 2। आगे सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो एक काम करो, पहले तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए फॉर्मेट, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये चीज क्लियर होगी खुद को कि हाँ इसमें मेरे को क्या करना है ना। तो सबसे पहले आप जब भी देखो ई की पावर एक्स इंटू समथिंग, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो आपको क्लिक होना चाहिए माइंड में तुरंत, अच्छा ये कहीं वो वाली फॉर्म तो नहीं बन रही e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली, तो मेरे को क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कि e की पावर x को मैं यदि अलग कर लेता हूं तो अंदर जो फंक्शन बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये बचेगा। अब इसको मेरे को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं, थोड़ा सोच के देखो आप, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, लिख सकता हूं बड़े प्यार से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू क्या होगा बताओ, इंटू क्या हो जाएगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, आप आराम से कर लेना है ना पार्शियल फ्रैक्शन से, बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो आपको क्लियर हो जाएगी कि एक तरफ 1 प्लस एक्स लिख देते हैं और एक तरफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं ना। अब मेरे को ऊपर चाहिए x, तो एक काम करो 1 प्लस एक्स यहां बचेगा तो माइनस लगा दूंगा बीच में, तो यहां तो चला जाएगा 1 प्लस एक्स, यहां जाएगा 1, 1 से 1 कट गया x बचेगा बिल्कुल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया। अब एक काम करते हैं इसको चेक करो, ये जो फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये तो हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स कंप्लीट, तो क्या आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कर्व्स y बराबर 1 माइनस ax स्क्वायर एंड y बराबर x स्क्वायर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन द वैल्यू ऑफ a, एक दूसरे को
ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री पर। तो एक काम करें ना, ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या हो गया कि एम दोनों का स्लोप जहां पे कट कर रहे हैं वहां पे जो एंगल है दोनों बीच में वो कितना है 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इतना है 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। नहीं ये दे रखा है तो आपको वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, तो एक काम करो दोनों का स्लोप निकाल लो। तो पहले वाले का वाई डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 2ax, इसको x1 y1 पॉइंट मान लेता हूं मैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उसको मान लेते हैं अपन p को x1 y1। चलो तो ये बताओ मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसका जो स्लोप है टेंजेंट का वो कितना आ रहा है, माइनस का 2ax1। दूसरे वाले का y डैश कितना आ रहा है बोलो, 2x1। दोनों का जो m1 into m2 होगा वो कितना आना चाहिए, माइनस 1, यदि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4ax1 का स्क्वायर हो गया और ये आना चाहिए माइनस 1। तो एक काम करो x1 स्क्वायर कितना आ रहा है अपना, x1 अब निकाल लो यहां से, तो बताओ x1 निकाल लोगे आप यहां से तो कितना आ रहा है, सॉल्व करें दोनों को जरा, है ना, x1 स्क्वायर कितना जाएगा दोनों को सॉल्व कर लो, x स्क्वायर बराबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं ना ए एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन, ये वहां चला गया तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, वन प्लस ए, वन प्लस ए नीचे आ जाएगा तो कितना आ गया वन अपॉन वन प्लस ए आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर बराबर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस ए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वन कितना आ जाएगा यहां से, अच्छा स्क्वायर है यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे पुट कर दो आप, कितना आ गया बोलो वन अपॉन वन प्लस ए इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया कितना आ जाएगा वन प्लस ए चाहिए अपने को, तो वन प्लस ए को यहां ले आओ, ए को वहां ले जाओ तो थ्री ए बचेगा यहां पर, थ्री ए बराबर वन, तो ए बराबर कितना आ गया वन अपॉन थ्री आएगा इसका मतलब, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो वन अपॉन थ्री आएगी, सही है। यदि वक्र वाई बराबर ये वाई लंब कोण ये प्रतिशत करते हैं इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे एंगल के बिटवीन देयर टेंजेंट्स क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना, उनके स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री है, तो m1 into m2 कितना होना चाहिए माइनस वन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये आपसे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व दिस, एक अपने को वक्र दे रखा है और इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, मतलब किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहे हैं मान लो किसी पॉइंट्स पर ए और बी पर, तो जो इंटरसेप्ट्स के स्क्वायर का समय वो आपको इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं थोड़ा सा, तो सबसे पहले जो कर्व है उसको आप ध्यान से देखो, तो आपने पढ़ा भी है ना इस कर्व के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अपन मानना चाहें, या तो आप इसी मान लो x1 y1 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अपन मानते हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो आईआईटी की, तो आपने ये सब पढ़ा हुआ है ना कि जो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में क्या कि जब भी आपके पास ये कर्व है तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप x की जगह a cos क्यूब थीटा और y की जगह a sin क्यूब थीटा कर लोगे, तो यहां से मेरे को बताओ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका स्लोप निकाल लें फटाफट से, क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 3 बचेगा प्लस 2 अपॉन 3 वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू वाई डैश बराबर क्या हो गया 0, तो वाई डैश कितना आ जाएगा यहां से जरा देखो 2 अपॉन 3 कॉमन लेके तो 0 कर दो, ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, पावर कैसी है नेगेटिव, एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 3 और नीचे वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3, थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लें तो वाई अपॉन एक्स होल टू दी पावर बन जाएगा प्लस का 1 अपॉन 3, बात आ रही है मेरी समझ में, अब वाई डैश आ गया स्लोप आ गया, स्लोप आ चुका है तो क्या कर लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ए कॉस क्यूब थीटा इंटू एम, एम कितना आएगा इसका माइनस का वाई अपॉन एक्स होल टू द पावर वन अपॉन थ्री, सही है। अब वाई अपॉन एक्स कितना आ जाएगा बोलो, वाई अपॉन एक्स तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया टेन, तो टेन क्यूब आएगा अंदर और टेन क्यूब की पावर वन अपॉन थ्री तो क्या बन जाएगा ये टेन थीटा, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे सीधे सीधे माइनस का टेन थीटा, सही है ना, और इंटू में क्या चलेगा नीचे वाला एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू क्या है y माइनस a साइन क्यूब थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इंटरसेप्ट्स के लेंथ का स्क्वायर का सम करना है, तो इंटरसेप्ट निकालना हो कभी भी कोई भी लाइन है और उसका x इंटरसेप्ट निकालना है या y इंटरसेप्ट निकालना है, तो क्या करो दो तरीके हैं, या तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो आप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू वन, या फिर क्या करो x कोऑर्डिनेट जीरो करोगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा और y कोऑर्डिनेट जीरो करोगे तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार x को जीरो कर देना फिर एक बार y को जीरो कर देना, वहां से x और y की, जब y को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x को जीरो करूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी, वहां से दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो अपने को निकालना है, तो उसको आप निकाल लेना, ये मेरे ख्याल से 2a आंसर आएगा इसका, करके देख लेना पूरा सॉल्व है ना, पूरा सॉल्व करके देख लेना, कोई डाउट है तो आप भेज देना फिर, है ना। चलें आगे, क्या बताऊं इसको करके मैं, वाई की वैल्यू जीरो करोगे तो क्या मिलेगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा ये ए
साइन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा। तो एक्स की वैल्यू तो आ गई यहां से, ए कॉस कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया वन, तो ए कॉस आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है ए कॉस, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी ए साइन आ जाएगी शायद ना, ए कॉस आ गई उधर क्या आ जाएगा ए साइन, वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी कर लें सॉल्व थोड़ा सा और, तो एक्स को जीरो कर दो आप तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया ए साइन अपॉन कॉस, ए साइन कॉस स्क्वायर प्लस ए, तो ए साइन कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर वन हो गया, तो ए साइन आ जाएगा बिल्कुल, ये आ जाएगा ए इंटू साइन थीटा, दोनों के क्या करना है स्क्वायर का सम करना है, तो ए आएगा इसका आंसर है ना, दोनों के स्क्वायर का सम ए आएगा इसका मतलब, स्क्वायर का सम ए स्क्वायर आ रहा होगा इसका आंसर, ठीक है तो कर लोगे आराम से सॉल्व, चलें चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द टेंजेंट टू द कर्व वाई बराबर दिस एट पॉइंट 11 इज 2 यूनिट्स, इफ दिस ट्राइंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन बी इज इक्वल टू। तो ये तो आसान क्वेश्चन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, अपने से कह रहा है एक कर्व है और इसके किसी पॉइंट 1.1 पे अपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो आपको बी की वैल्यू बतानी है, तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सीधे 1.1 इसमें रख के वैल्यू निकाल लेते हैं बी की, चलो ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। तो आपने जैसे इसमें 1 रखा, चलो जैसे ही आपने इसमें 1 रखा तो क्या होगा, एफ 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस बी माइनस बी, ओहो 1 से बी से भी कैंसिल आउट हो गया, 1 बराबर 1 आ गया ना, कुछ नहीं मिला इसको, यहां कद्दू मिला अपने को। तो एक काम करते हैं ना अपन, एक काम करते हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं किस पे, 1.1 पर, चलो निकालो, तो क्या आ जाएगा यहां से एफ डेस एक्स आ जाएगा आपका 2x प्लस बी, सही है, और 1.1 पे निकालना है तो स्लोप कितना आ जाएगा, एफ डेस 1 आ जाएगा आपका 2 प्लस बी, तो ये तो आ गया एम स्लोप आ गया लाइन का यानी कि टेंजेंट का। अब स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन इनटू एम, स्लोप कितना आया था अभी 2 प्लस बी, ठीक है, वाई माइनस वाई 1 इक्वल टू एम इनटू एक्स माइनस एक्स 1। अब इसमें क्या निकालना था अपने को, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और किसमें, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कुछ ऐसी कहानी है देखो, ऐसे ये कर्व है, टेंजेंट है मान लो, तो अपने को ये एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये एरिया कितना दिखा है 2 दिखा है सॉरी, तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो एक बार y को जीरो कर दो आप, तो y को जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा यहां से माइनस 1, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 1 प्लस, यहां माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस बी, बोलो सही है, तो कितना आ गया यहां से b माइनस या b प्लस 1 अपॉन b प्लस 2, ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। अब एक काम करो आप y कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो x को जीरो करोगे तो y का कितना वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 2 माइनस बी प्लस 1, तो ये कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई माइनस बी माइनस 1 आ गई, तो ये आ गया y इंटरसेप्ट। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, हाफ बेस इंटू हाइट है ना, क्या दे देगा अपने को, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, कर लोगे ये अलग, हम अब हाफ बेस इंटू हाइट करके बस b की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल लोगे आराम से, ठीक है चलो। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, तो आप देख लेना जो बी की वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू ले रहे हो, ठीक है ना, चलें आगे, चलो नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से -3 आएगा इसका, ठीक है कर लेना चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस इज, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व दे रखे हैं अपने को, इन दोनों की जो एंगल ऑफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स है ना निकालना है अपने को इंटरसेक्शन पर, तो क्या करें बताओ, दोनों का स्लोप निकाल के और एंगल बिटवीन टू लाइंस लगा देते हैं अपन सीधे सीधे, चलो तो बताओ यहां से क्या जाएगा, यहां से दोनों का वाई डैश कितना आएगा यहां से, अब बोलो इससे वाई डैश कितना आएगा, 3x स्क्वायर को वहां ले जाओ तो माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, यहां से कितना आएगा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश बराबर 0, तो वाई डैश आ रहा है यहां से माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 6xy, ये आ रहा है आपका, ठीक है और कॉमन ले लो इसमें से 3, तो कैंसिल क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे,
अब नेक्स्ट सेकंड वाले से वाइडेस निकालो कितना आएगा, तो सेकंड वाले से आ रहा है मेरे ख्याल से, लिख लो इसको आराम से, 3x² इंटू वाई डैश प्लस 6xy माइनस 3y² इंटू वाई डैश बराबर 0। वाई डैश कॉमन ले लो, पहले वाले में तो वाई डैश एक ही बार आ रहा था ना, हाँ ठीक है, इस वाले से वाई डैश कॉमन ले लो, वाई डैश कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 6xy को तो उधर ले जाओ आप, माइनस का 6xy हो गया, और नीचे क्या आएगा, 3x² माइनस 3y², तो कुल मिला के ये आ रहा है, 3 कॉमन लेके काट दो तो माइनस का 2xy अपॉन में x² माइनस y² तो दोनों का बीच में कितना एंगल आएगा देख लो, ये आ रहा है m1 और ये आ रहा है m2, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है ना, y² माइनस x², अच्छा माइनस साइन भी है, 2xy सही है, आ रही है समझ में, तो 2xy से 2xy कैंसिल आउट हो गया, x² माइनस y² से x² माइनस y² है ना, माइनस साइन है ना, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है तुम्हारा माइनस का x, एक मिनट रुको, माइनस का 3x² प्लस का 3y² अपॉन में कितना आएगा, माइनस का 6xy है ना, माइनस का 3x² कर दिया, माइनस का 3y² कर दिया, ये प्लस का हो जाएगा ना, नीचे जाके माइनस का होगा ना ये, तो कितना आ रहा है, माइनस का 2xy आ रहा है इसका यहां पर, तो फिर ये माइनस का 2xy माइनस का 2xy कट गया, y² माइनस x² या x² माइनस x², तो कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं ना, दोनों एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, चलो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं दूसरे को, चलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ fx इक्वल टू x इनटू e की पावर x इनटू 1 माइनस x देन fx इज, तो fx क्या है, तो एक काम करो, पहले तो आपको पूछ रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो पहली बात तो मेरे को ये पता है कि जब भी इंक्रीजिंग नेचर डिक्रीजिंग नेचर चेक करना हो, मोनोटोनिसिटी की बात हो रही है, तो मोनोटोनिसिटी के लिए अपन क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, f(x) आता है, f(x) को अपन देखते हैं किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है, उसी पर अपन डिसाइड करते हैं कि वेदर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो काम करो डिफरेंशिएट कर लो, तो f(x) कितना आ गया बताओ, f(x) आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x1 e की पावर x * 1 - x प्लस x * e की पावर x का e की पावर x * 1 - x * 1 - 2x ये आ गया, ठीक है, चलो अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x * 1 - x, अंदर क्या बचेगा बताओ, यहां तो 1 बच गया प्लस यहां क्या बचेगा, x - 2x² तो सिंपली इसको फैक्टराइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, माइनस टू है तो ये हो जाएगा कितना, ऐसा करो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर x इंटू 1 माइनस x, तो क्या आ जाएगा ये 2x² माइनस x माइनस 1, अब इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 वन जो 2 तो माइनस 2x कॉमन आ गया, 2x प्लस 1 फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है इसका देखो, 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 आ रहा है क्या, है ना, 2x² माइनस 2x प्लस x, तो माइनस का x बचेगा और माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया, और आगे क्या चल रहा है, माइनस का e की पावर x की पावर 1 माइनस x, तो देखो ये तो कैसा है फंक्शन अपना, ये f(x) आ रहा है ना, अब ये बताओ मेरे को आप, जो f(x) आ रहा है वो ये आ रहा है, अपने को चेक करना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो ये बताओ, ये यदि मैं इंटरवल देखो, ये तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0, बात करते हैं इन दोनों की, ये तो क्या आ गया माइनस हाफ और प्लस 1, तो यानी कि 1 से पहले तो कैसा आएगा ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वही आपको ध्यान है वो दिन याद है, प्लस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन आगे साइन कैसा है नेगेटिव, तो 1 से बड़े के लिए नेगेटिव आएगा, बीच में पॉजिटिव आएगा, बाद में फिर से नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या क्या दिख रहा है इंटरवल देखो, चेक करो, इंक्रीजिंग इन माइनस हाफ से 1, माइनस हाफ से 1 में इंक्रीजिंग हो गया, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग इन ना ऐसा तो नहीं है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस हाफ से 1 में क्या आ रहा है डिक्रीजिंग, माइनस हाफ से 1 में डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है ना, इसमें गलती बताए कहां होगी, गलती यहां पर होती है कि आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो बाद में हम भूल जाते हैं कि माइनस साइन हमने कॉमन लिया हुआ था, ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो 10th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये, 10th क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कर्व्स, यहां पर क्या आएगा कर्व्स है ना, इफ द कर्व्स y बराबर a एंड y बराबर a टच ईच अदर एट अ पॉइंट 1, 0 देन a माइनस b प्लस c कितना होगा, तो पहली बात तो ये होगी दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं 1, 0 पर, इसका मतलब 1, 0 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो चलो तो 1, 0 को सेटिस्फाई करा देते हैं, तो 1, 0 को सेटिस्फाई कराओगे आप पहली इक्वेशन में, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा
वन प्लस ए प्लस बी आ गया, चलो इक्वेशन नंबर वन बन चुकी है। सेकेंड, सेकेंड में अपने को 1.0 सेटिस्फाई कराना है, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू सी माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई भाई, बहुत बढ़िया मजा आ गया ना, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो c की वैल्यू 1 आ चुकी है, लेकिन इसमें a प्लस बी इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। चलो एक इक्वेशन तो तैयार है, दूसरे से c की वैल्यू मिल गई। तीसरी बात, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच करने का मतलब क्या हो गया, दो तरीके हैं अपने पास, सुनो मेरी बात ध्यान से, दो तरीके हैं अपने पास, या तो टच कर रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं आप, y की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो x x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और x में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका d क्या कर दो आप, 0, d इक्वल टू 0, तो वहां से भी इसका आंसर आ जाएगा। बाकी ये काम भी कर सकते हो, दोनों की टेंजेंट क्या होगी, सेम होगी, यदि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो टेंजेंट सेम होगी, तो एक काम करो आप, दोनों का स्लोप निकाल लो, तो यहां से y डैश कितना आ रहा है बताओ, यहां से y डैश आ जाएगा 2x प्लस a, और किस पॉइंट पे निकालना है अपने को, 1.0 पर, तो 1.0 पे आ जाएगा 1.0, y डैश 1 कितना आ जाएगा इसका 2 प्लस a, और वहां से कितना आ जाएगा y डैश बोलो, c माइनस 2x, तो y डैश 1 कितना आ जाएगा 1.0 पर, c माइनस 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये c माइनस 2 इक्वल होना चाहिए किसके, 2 प्लस a के, तो c की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 1 बराबर 2 प्लस a, तो a की वैल्यू आ रही है यहां से बच्चों माइनस 3, और a की वैल्यू यदि माइनस 3 आ रही है ना, ये माइनस है, a की वैल्यू यदि माइनस 3 आ रही है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है बताना जरा, a माइनस b प्लस c, तो a माइनस b प्लस c इसका मतलब कितना हो गया, a माइनस 3 b माइनस 2 हो जाएगा प्लस c 1, तो कितना आंसर आ रहा है अपना, माइनस का 5 प्लस का 1, तो माइनस का आ रहा है आंसर 4, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर है सही थर्ड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कहना चाह रहा है जरा चेक करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो क्या करना है अपने को, इफ एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है अपने को हैज नो एक्सट्रीमम एक्सट्रीम वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं क्या, यदि ये कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं रखता है इसका मतलब या तो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, तो अपन क्या करते हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस q। अब अपने पास जो f डैश x आ रहा है, आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक में जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो कैसा है, पॉजिटिव, यदि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है यानी कि ये फंक्शन बढ़ी बढ़ रहा है, यदि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस केस में उसका कोई भी मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा ना मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, तो एक काम करते हैं छोटा सा अपन, क्वाड्रेटिक आ रहा है इसका d यदि मैं लेस देन 0 कर दूं, d क्या कर दूं मैं लेस देन 0, तो ये क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो d लेस देन 0 कर दो तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 4p स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 12q, तो ये लेस देन 0 कितना आ गया p स्क्वायर लेस देन 3q, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी बात है, यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना आपसे, तो आप सिंपल सा क्या देखोगे f डैश x पॉजिटिव है तो क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, f डैश x नेगेटिव है जिस इंटरवल में या और ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यदि f डैश x नेगेटिव आ जाता फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो अपन क्या कहते कि फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, द पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस विद मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल दिस, है ना, क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में आया हुआ है पहले, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्या कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x और इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो देखो वाई स्क्वायर बराबर 8x का मतलब कितना, कैसा ग्राफ हो गया, ये हो गया, और इसका ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है 0, -6 और रेडियस कितना है 1, तो चिंटू सा छोटा सा सर्कल है एक यहां पर ये रहा, तो इसका सेंटर क्या है 0, -6, आपसे कह रहा है दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है आपको, नहीं पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर पॉइंट निकालना है जो मिनिमम डिस्टेंस पर हो सर्कल से, तो एक काम करते हैं दोनों, आपको पता है डिस्टेंस है ना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स कौन सा होता है, जो उनका कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, तो ये डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी, तो एक काम करो दोनों की कॉमन नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो एक काम करता हूं पहले मैं पैराबोला दे रखा है बड़ा प्यारा सा मेरे को वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो एक काम करते हैं इसके लिए इक्वेशन नॉर्मल अपन क्या लिखते हैं याद करो वो दिन y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80q, याद है, तो इसमें a की वैल्यू कितनी बताओ, a की वैल्यू है 4a बराबर 8, तो a की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो गया माइनस का tx प्लस का 40 प्लस का 2tq, सही है,
तो इस केस में इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान रहा हूं क्या मानूंगा, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, तो ए टी स्क्वायर यानी कि 2t स्क्वायर कॉमा 4t आ गया, सही है। ये आ गया आपका क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट पी पे टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली मैंने, अब इस नॉर्मल को कहां से पास कराना है बोलो, ये इस सर्किल की भी नॉर्मल है, इसका मतलब कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ सर्किल से, है ना। इक्वेशन नॉर्मल कैसे निकालते हैं सर्किल की, अपन जो पॉइंट है जो नॉर्मल है वो कहां से पास करेगी, सेंटर से, तो बस अपने को एक लाइन जो सेंटर से पास कर रही है ना किसके, सर्किल के, तो वो क्या होगी नॉर्मल। तो अपन एक काम करते हैं, इस नॉर्मल को कहां से पास करा देते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल से। तो बताओ 0, -6 से पास कराओगे तो कितना आ जाएगा, 0, -6 से पास करेंगे -6 इक्वल टू 0 निकाल लोगे यहां से, टी की वैल्यू पॉइंट आ जाएगा, कर लोगे अलग हम, चलो चले आगे, 2, -4 आएगा शायद ना, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ द इक्वेशन दिस वन हैज 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देन एग्जिस्ट इफ सेट ऑफ वी। तो एक काम करो आप पहले तो, यस पहले तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा प्यार से लिख लें। तो एक काम करो दोनों तरफ लॉग ले लो आप, लॉग लेते क्या होगा, जो ऊपर बैठा हुआ है पावर वो आगे आ जाएगी, तो पावर ऊपर से नीचे आ गई तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस टू प्लस बी बराबर क्या बचेगा, एल एन टू, है ना, बेस ई रखा हुआ है मैंने, ये आ गया एल एन टू, तो यहां से कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या आ गया, एल एन टू माइनस बी, ठीक है। तो अब अपने पास दो फंक्शन है और अपने को चाहिए 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशंस, तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए अपने को। तो एक काम करते हैं अपन, है ना, तो एक काम करते हैं अपन, छोटा सा क्या बताओ, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस टू है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा बताओ, है ना, ग्राफ बना लेते हैं बहुत आराम से बन जाएगा। तो क्या करा जाए, मेरे हिसाब से इसमें आप मॉड एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ये मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स विद 2 यूनिट्स, उसके बाद पूरे का मॉड है, तो इस पूरे का मॉड लेने के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस नीचे वाले पार्ट की, तो ये आ गया, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 0, 2 हो जाएगा, है ना, 0, -2 था तो नीचे, और बोलो ये पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, इनको भी निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपके पास जो फाइनल ग्राफ बना है उसका मॉड का, वो क्या बन गया, फाइनल ग्राफ ये बना है, ये बना है ना, 0, 2 है ये, ठीक है। अब बताओ ये आ गया, तो अब अपने को क्या चाहिए, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, है ना। तो एक काम करो आप, आपको पता है कि एक लाइन है ना एल एन टू माइनस बी, एक लाइन जो इसको 4 जगह डिफरेंट जगह कट करे, तो वो कौन सा रीजन है, सिर्फ एक्स एक्सिस से लेकर इस पॉइंट से भी टच कर गया तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3 आएंगे, अपने को चाहिए 4, तो इस पॉइंट से नीचे रखना है, इसका मतलब क्या हो गया, जो राइट साइड है यानी कि एल एन टू माइनस बी है, that must lie between 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 से भी टच नहीं करना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। अब एक काम करो, b की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करो, पहले तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो और एल एन टू भी घटा दो, तो माइनस का क्या आ गया, एल एन टू साइन चेंज हो जाएगा, यहां प्लस का b हो गया, एक काम करो साइन चेंज मत करो अभी, है ना, थोड़ा सा मामला ही, तो चलो एक बार और लिख दूं दोबारा से मैं, आ जाओ एल एन टू माइनस बी, ये लाई करना चाहिए 0 से, ये समझ आ गया ना, 0 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए। अब एल एन टू घटा दो तो माइनस एल एन टू करोगे तो कितना आ गया, माइनस बी इज इन बिटवीन माइनस एल एन टू से 2 माइनस एल एन टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का एल एन टू हो गया, लेस देन हो गया बी, ग्रेटर देन हो गया किससे, साइन चेंज एल एन टू माइनस बी, तो कितना आंसर आया, एल एन टू माइनस टू, तो क्या आ रहा है, बी का रेंज आ रहा है एल एन टू माइनस टू से एल एन टू, तो एल एन टू माइनस टू से एल एन टू, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एल एन टू माइनस टू से एल एन टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इफ एक्स टू द पावर 4 दिस हैज 4 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में अपन वही फंडा अपनाएंगे, ये अपने फंक्शन में है ना शुरुआत में किया है ना ग्राफ्स में, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना k की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम ही करो छोटा साहब, क्या करोगे, यस यस 14th क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, ये जो पार्ट है ना ये इस एक्सप्रेशन का आप पहले ग्राफ बना लो।
तो इसका ग्राफ बनाओगे आप, तो पहली बात तो ये बताओ, इसको एफ एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए अपन, तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स कॉमन ले लो इसमें से, तो एक्स क्यूब माइनस 14x प्लस 24, 12 दूनी 24, अच्छा क्यूबिक है, तो एक काम करो पुट करके देख लो वैल्यू है ना, तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, 1 कर रहा है क्या सेटिस्फाई, नहीं, 2 नहीं कर रहा है, 3 नहीं, तो एक काम करो आप, फैक्टराइजेशन रहने दो, सीधे आप इसको डिफरेंशिएट कर लो है ना, डिफरेंशिएट करके अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ डेरिवेटिव जीरो हुआ है, तो क्या आएगा बताओ, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स 4 4 4 x³, एक मिनट रुको, x^4 − 14x² + 24x, इसका मेरे को बनाना है ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करें अपन बताओ, एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं, फंक्शन का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नेचर चेक कर लें पहले, 4x³ − 28x + 24, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, x³ − 28 + 7 = 28, 7 आएगा है ना, 7x + 6, अब इसके क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, x की वैल्यू 1 रखूंगा, सेट सही कर रहा है बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा, x − 1 इंटू क्या आएगा बताओ, x² पुट कर दें, x³ बन गया, माइनस का x² आएगा, तो प्लस x² करना पड़ेगा, तो प्लस x कर दिया, माइनस का x बचेगा, माइनस का 6x और चाहिए, तो माइनस का 6 कर दिया, प्लस का 6 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया, अगेन इसको फैक्टराइज कर लो एक बार और, तो क्या आ रहा है, x − 1 इंटू x + 3 × x − 2, है ना, फैक्टराइजेशन आपको एकदम है ना लाइट की स्पीड से आना चाहिए दिमाग में आपके, फैक्टराइजेशन, तो ये आ गया, अब आपके आपके पास f(x) मिल गया, तो कहां कहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, 1 − 3 और 2 पर, तो 1 − 3 और 2 पे जीरो हो रहा है डेरिवेटिव, तो −3 यहां मान लेता हूं 1 और 2, ठीक है, तो यहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, अब अपने और क्या कह रहा है ये, अब एक काम करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, कितनी कितनी आ रही है, कहां कहां पर डेरिवेटिव, जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो f1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा मेरे को, f1 की वैल्यू आ रही है आपकी, f1 कितना आ जाएगा, 1 − 14 + 24, तो प्लस का 10 10 और 1 11, f1 की वैल्यू आ रही है 11, f2 की वैल्यू निकाल लो, f2 कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 56 48, तो कितना आ जाएगा, 48 − 56, तो माइनस का 8 − 8 + 16 + 8, तो +8 आ रही है, f(-3) भी निकाल लो, तो f(-3) आ रहा है कितना, ये आ जाएगा 81 − 3, 126 − 3, 74 72, ठीक है ना, तो ये आ रहा है सॉल्व होके −20 126, 26 से 28 ये आ जाएगा 198 − +81, तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से 117 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, माइनस का 117, तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, अब ग्राफ बना लो इसका, f1 की वैल्यू कितनी है 11 यहाँ मान लेते हैं, f2 की वैल्यू 8 यहाँ मान लेते हैं, f(-3) कितना आ रहा है, f(-3) आ रहा है आपका माइनस का 117, तो नीचे, तो ग्राफ इसका मतलब कुछ ऐसे गया होगा है ना, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा ना, रफल डायग्राम बना लिया ऐसा बनेगा, ये जो डायग्राम बनाया अपना ये किस ये बना लिया अपन ने, अब तीन जगह डेरिवेटिव जीरो हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पर है ना, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, तो अब ये क्या बताओ मेरे को, आपको कितनी चाहिए इसमें, 4 रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन चाहिए आपके है ना, रूट चाहिए, तो कितनी जगह का कौन सा अपना हो सकता है, k की वैल्यू, y = k एक लाइन है जो इसको 4 जगह कट करनी चाहिए है ना, तो 4 रियल जगह कब कट करेगी, अलग अलग डिफरेंट जगह, 1 2 3 और ये 4 जगह कट कर रही है, और ये पॉसिबल कब तक है, यहां से जब आप इसके बीच में लोगे, ठीक है ना, तो ये रेंज है किसकी, वाई की, जिसके लिए क्या है, 4 डिफरेंट और रियल सॉल्यूशन दे रहा है अपने को, तो कौन कौन सी हो गई, 8 से 11, इसका मतलब क्या हो गया, 8 से 11 के बीच में होगा के, तो क्या होगा अपने पास, 4 डिफरेंट और रियल सॉल्यूशन होंगे, तो 8 से 11, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा इसका, चले आगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना ग्राफ से सॉल्व करने वाला, चलते हैं आगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट रूल, रूलिस थ्योरम का क्वेश्चन है इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहली बात तो रूलिस थ्योरम क्या कहती है मेरे से, रूलिस थ्योरम अपने से कहती है कि कोई भी फंक्शन में एप्लीकेबल है रूलिस थ्योरम। कब? पहली बात फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशियबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तीसरी बात एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब यदि ए से बी इंटरवल ले रहे हो आप तो ए एफ ए इक्वल टू आना चाहिए एफ बी। तो रूलिस थ्योरम क्या कहती है, तब एटलीस्ट देयर इज एटलीस्ट वन सी, देयर इज एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल, कम से कम एक सी होगा जो उस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, किसमें, ए से बी इंटरवल में, जहां पे क्या हुआ होगा एफ डेस सी जीरो हुआ होगा, ये कहता है अपने रूलिस थ्योरम, ठीक है ना। तो बस अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो कुछ नहीं करना अब आपको, पहले चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशियबल है कि नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करना है। तो क्लियरली आप सेकंड ऑप्शन पे देखो, पहले सेक एक्स है तो सेक ऑफ माइनस फाइव बाई फोर और सेक ऑफ फाइव बाई थ्री वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसमें तो एप्लीकेबल नहीं है। इसको चेक कर लो फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है क्या, जी देखो वन पर कंटिन्यूस है नहीं है, वन ओ वन टू थ्री माइनस वन टू, ठीक है आ गया। अब फंक्शन डिफरेंशियबल कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो कितना आ गया, ये टू एक्स और ये आ रहा है माइनस का वन, और वन पे चेक करोगे तो कितना आ रहा है, ये तो टू आएगा और ये माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। फर्स्ट वाले में चेक कर लो आप, फर्स्ट वाले में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है माइनस ये मॉड एक्स की पावर कितना है वन अपॉन थ्री, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो पावर नीचे आ जाएगी नेगेटिव, तो जीरो पे तो होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा माइनस वन से वन में, जीरो पे ये डिफरेंशियबल नहीं होगा फंक्शन, इसका मतलब इसमें भी रूलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो चौथा ऑप्शन ही सही होगा अपना, लेकिन आप चाहो तो चेक कर सकते हो उसको आप आराम से, ना इसको फैक्टराइज कर लेना, एक्स माइनस वन कट जाएगा, जो बचेगा उसको चेक कर लेना, माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स आ रहा है नहीं आ रहा, तो कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी देख लोगे आराम से, निकालोगे नहीं निकालोगे फिर आराम से कर लोगे चेक, है ना। चलो चेक कर लेना इसको, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू वेयर पी लाइज ऑन द पैराबोला दिस एंड क्यू लाइज ऑन द पैराबोला दिस। तो दोनों की जो क्या करना है अपने को, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए बताया था अभी आपको मैंने क्या था तरीका, ऊपर वाला जो है पैराबोला वो तो क्या है वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टू, नीचे वाला पैराबोला क्या है एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस टू। तो दोनों दो पैराबोला नजर आ गए आपको, दोनों का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो, क्या मानोगे यहां पे एक्स की वैल्यू क्या रखोगे बताओ आप, टू प्लस टी स्क्वायर कॉमा कितना जाएगा टी, और इस पे क्या मानोगे आप, इसमें ये वाला कोऑर्डिनेट जाएगा टू प्लस टी स्क्वायर कॉमा यहां पर कितना जाएगा टी। तो दो पॉइंट्स मिल गए, दोनों बीच में क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो निकालोगे आराम से दोनों बीच में मिनिमम डिस्टेंस, बस टी की वैल्यू अपने को नहीं पता और वो निकालनी है। सबसे पहले एक काम करो, क्या करोगे देखो, y स्क्वायर बराबर x माइनस टू आ गया, x स्क्वायर बराबर y माइनस टू आ गया, तो एक काम करते हैं अब, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, ध्यान से आपने देखा तो क्या देखा कि मिनिमम डिस्टेंस निकालना है यदि दो कर्व्स के बीच में, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था क्या कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा, दोनों की जो कॉमन नॉर्मल होगी, तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये जो कर्व है y बराबर y स्क्वायर बराबर x माइनस टू, तो y स्क्वायर बराबर 4ax, वर्टेक्स कहां चला गया 2,0 पर, तो 2,0 पर ऐसे बनेगा, इसका वर्टेक्स कहां गया 0,2 पर, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। इन दोनों बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ध्यान से देखो ना आप, दो बातें समझ आ रही होंगी आपको इसमें, दोनों के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो मान ही लिए है ना, और दूसरी बात ये जो कर्व्स हैं ये क्या है, y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक हैं ये कर्व है ना, ध्यान से आप देखो, तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये मिल जाएं तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी आराम से, तो t की वैल्यू निकालनी है आपको, तो दोनों की नॉर्मल क्या है सेम, दोनों की नॉर्मल यदि सेम है तो यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या करें अपन, दोनों को डिफरेंशिएट करके दोनों का स्लोप सेम कर दें, तो पहले वाले का स्लोप कितना आएगा बताओ, यहां से y डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे ख्याल से x का डिफरेंशिएशन 1 1 अपॉन 2 y, 1 अपॉन 2 y बोले तो 1 अपॉन 2 y, y की वैल्यू कितनी है t, तो 1 अपॉन 2 t आ गया, यहां से y डैश कितना आएगा बताओ, यहां से y डैश आ जाएगा आपका 2x, 2x यानी कि 2 into x कोऑर्डिनेट t है इसका, तो 2t, दोनों का स्लोप सेम है तो 1 अपॉन 2t बराबर कितना आ गया 2t, तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से t की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, माइनस हाफ मत ले लेना है ना, t की वैल्यू 1/2, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसलिए, तो t की वैल्यू हाफ आ रही है, तो t की वैल्यू हाफ आ गई तो ये पॉइंट्स आ गए, अब ये पॉइंट्स आ गए p और q, तो आप क्या निकाल सकते हो आराम से, निकाल सकते हो लेंथ pq, चलो कर लेना आराम से। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिस हैज लोकल मैक्सिमम एट द पॉइंट 2, 2, 10 देन a इज, तो a की वैल्यू निकालनी है अपने को, एक काम करो आप, पहले तो फंक्शन दे रखा है और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात हो रही है, तो समझ जाओ क्या कि एफ डेस एक्स वहां पे लोकल मिनिमम दे रहा है या लोकल मैक्सिमम, तो इसका मतलब उसके जो नेबरहुड है
उनसे वैल्यू उसकी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, यानी कि एफ ए इज ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम केस में एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए पॉजिटिव एंड एफ ए नेगेटिव। तो एक काम करते हैं छोटा सा, अपन सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया बताओ, ए इंटू ई की पावर माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स का माइनस बी चेन रूल से, ठीक है। और बोलो कॉमन आ गया कुछ इसमें से, यस कॉमन आ रहा है ई की पावर माइनस बी एक्स, ए भी कॉमन आ रहा है तो ए भी कॉमन ले लो, क्या बच गया ए इंटू ए प्लस क्या बच गया वन प्लस एक्स इंटू माइनस का बी यानी कि माइनस का बी एक्स, ठीक है। ये आ गया, ये क्या आ गया अपने पास एफ डेस एक्स। अब एक बात बताओ, एफ डेस एक्स तो मैंने निकाल लिया, अब मेरे को ये पता है जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, टू कॉमा टेन, तो टू कॉमा टेन, टू कॉमा टेन है तो एफ डेस टू कितना आ गया बोलो, ये आ गया ए e की पावर माइनस टू बी वन माइनस टू बी, ठीक है ना, ये आ गया। तो इस जो पॉइंट पे स्लोप होगी वो क्या होगी, डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। तो फंक्शन क्या आ गया मेरा, यहां से आ गई मेरे b, a की वैल्यू तो आ रही है जीरो और b की वैल्यू क्या आ रही है हाफ। तो यहां से एक बात तो समझ में आ रही है कि a की वैल्यू तो जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन ही क्या हो गया, जीरो हो गया सीधे। तो b की वैल्यू यदि हाफ रही होगी तो b की वैल्यू हाफ पर a की वैल्यू कितनी आएगी ये अपन निकाल लें। तो b की वैल्यू हाफ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, तो इसमें 2 कॉमा 10 पहले रख दो, तो 2 कॉमा 10 रखोगे तो कितना आएगा f2 बराबर आ गया 2 कॉमा 10, तो 2a e की पावर माइनस का 2b, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 10 इक्वल टू कितना आ गया 2a e की पावर कितना हो गया बोलो, b की वैल्यू अभी हाफ आई थी तो 2 से 2 कट गया 1 अपॉन e, 2 5 जा 10, तो कितना आ रहा है a का वैल्यू, a का वैल्यू आ रहा है e 2 5 जा 10 5e, कितना आ रहा है 5e आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा, देखो चेक करो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आ रही है, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ये देखा है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले, तो देखो सबसे पहली बात, जब भी मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू बात कर रहा है ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कह रहा है एक्स बिलो एक्स बराबर वन पे होनी चाहिए। तो वन पर स्मॉलेस्ट वैल्यू होने, मिनिमम वैल्यू होने का मतलब क्या हो गया कि एफ वन की जो वैल्यू है वो छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए किसके, एफ वन पॉजिटिव से भी, और एफ वन की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, एफ वन नेगेटिव से भी। तो एक काम करते हैं, एफ वन पर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों से कम होनी चाहिए, इसका मतलब या उसके बराबर हो सकती है। तो एफ वन पर वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन, और एफ वन पॉजिटिव वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन बात करते हैं मेनली एफ वन नेगेटिव की, कि वन से पहले वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, एफ वन से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। तो एफ वन नेगेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, है ना, माइनस वन आ रही थी ना, वन पॉजिटिव और वन पर। चलो आ जाओ, तो कितना आ जाएगा माइनस वन प्लस, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो तो कितना आ रहा है बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस वन इंटू बी माइनस वन, नीचे क्या आ जाएगा बी प्लस वन इंटू बी प्लस टू, ये भी फैक्टराइज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया, माइनस वन से माइनस वन, तो क्या बच गया इनइक्वलिटी बच गई बी में, सॉल्व कर लो इसको आप आराम से, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो गायब हो जाएगा। क्या बचेंगे, तीन क्रिटिकल पॉइंट आएंगे अपने, एक माइनस टू, एक माइनस वन और एक वन, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो किस इंटरवल में आ रहा है बताओ, पॉजिटिव किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, लेकिन नीचे वाले जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इंक्लूड करने नहीं है अपने को, माइनस वन माइनस टू, तो ओनली आंसर क्या आएगा ओपन इंटरवल में माइनस टू से माइनस वन और क्लोज इंटरवल वन से इनफाइनाइट, तो माइनस टू से माइनस वन क्लोज इंटरवल वन से इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आपको फंक्शन देखा है एफ एक्स, फंक्शन देखा है आपको एफ एक्स, ठीक है, चलो एफ एक्स फंक्शन देखा है, और इस फंक्शन एफ एक्स में कह रहा है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताने हैं, लोकल मिनिमा की बात हो रही है, कॉन्केविटी की बात हो रही है और वर्टिकल टेंजेंट की बात हो रही है। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन फंक्शन को ध्यान से देखो, आप एफ एक्स देखा है एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स माइनस वन, तो सबसे पहले तो एक काम करो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखने का तरीका क्या होता है पता ही आपको, एफ डैश एक्स निकालते हैं अपन, जहां पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। दूसरी बात, एफ डबल डैश एक्स जब निकालोगे आप, तो वहां से जिस पे साइन चेंज कर रहा होगा यानी कि जहां पे कॉन्केविटी चेंज होगी दैट विल गिव यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दोनों का जो यूनियन लेंगे तो अपने को टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले तो उसको आप एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना आ रहा है इसका 1/3 एक्स की पावर, या मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ऐसा कोई फायदा तो हो नहीं रहा, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4/3 हो गया,
तो 4/3 आगे आ गया, कितना बचेगा पावर 1/3 माइनस, इस बार 1/3 आएगा, पावर क्या बचेगा माइनस का 2/3, तो ये माइनस है तो नीचे ले जाओ पावर को, तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/3 और x की पावर 2/3 कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचेगा बोलो 4, यहाँ पे x बचेगा माइनस का 1, बोलो कैसे, ये वो नीचे आ गया, एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई हो गया 4x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3, मतलब मल्टीप्लाई कर गया ना, तो 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 1, तो पावर आ गई 1 x की। अब यहां से क्या आ रहा है अपना क्रिटिकल पॉइंट, एक तो 1 आ रहा है, 1/4 आ रहा है और एक आ रहा है 0, तो 0 पे तो क्या है इवन पावर है, तो यहां पे साइन चेंज नहीं करेगा f dash x, तो जहां पे f dash x साइन चेंज नहीं करेगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो एक तो आ गया 0, एक तो आ गया 0। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, f डबल डैश x, तो सेम f डबल डैश x कर लो आप, जहां पे साइन चेंज करेगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो कर लोगे इस तरीके से आप आराम से चेक कर सकते हो, कर लोगे इसको डिफरेंशिएट एक बार और, कितना आ जाएगा बताओ, जो कर देता हूं मैं 4/9 x की पावर -2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/9 x की पावर माइनस का 3 × 3 × 2 = 5, माइनस का 5/3, सही है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x की पावर -2/3 कॉमन आ रहा है क्या, चलो x की पावर -2/3 कॉमन ले लिया और 2/9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस, यहां से क्या बचेगा x की पावर -2/3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा x की पावर -1 और क्या बचेगा बस ये आ रहा है। अब इसको ऐसा करो नीचे ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x की पावर 5/3 नीचे, और यहां कितना है 2/9, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है -1/2 और 0, तो कहां पर साइन चेंज नहीं करेगा 0 पर, और f डबल डैश x कहां साइन चेंज कर रहा है, एक तो माइनस हाफ पर और एक 0 पर, प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये तो दोनों जगह साइन चेंज कर रहा है, तो एक तो ये भी है और ये भी है क्रिटिकल है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो कितने आ रहे हैं 2, कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, एक तो 0 आ गया और एक 0 से पहले से था और माइनस हाफ, तो इसका मतलब ये इसका मतलब सही है ना, ट्रू है ये ऑप्शन, ये कह रहा है कौन सा फॉल्स होगा, ये पूछ रहा है 1/4 पे हैज अ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, 1/4 पर लोकल मिनिमा है क्या, चेक करो 1/4 पे चेक करो जल्दी से फटाफट से, चलो तो ये आ गया 0, ये आ गया 1/4, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, तो ये पॉइंट यस लोकल मिनिमा है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसका मतलब थर्ड 0 से इन्फाइनेट में कॉनकेव डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, चेक करो 0 से इन्फाइनेट में कॉनकेव अप है, पॉजिटिव आ रहा है f डबल डैश, डाउनवर्ड कह रहा है, ये गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मतलब वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही चेक करो, तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट है अपना, दोनों यानी कि f0 पॉजिटिव और f0 नेगेटिव, दोनों किसको टेंड करना चाहिए, या तो प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, दोनों के दोनों, तो इसमें चेक कर लो 0 पे क्या हो रहा है, तो 0 पे क्या आ रहा था, ये इवन पावर आ रही थी 0 पर, और ऊपर तो 0 है नहीं, तो नीचे 0 पे क्या हो रहा है इवन पावर है, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव दोनों के लिए प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट हैज अ वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है इसमें, है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ f डैश x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 3 देन f ऑफ sin x इज इंक्रीजिंग ऑन, किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होगा f ऑफ sin x, तो पहले तो अपन क्या करते हैं छोटा सा काम कर लेते हैं, आपको ये जो गिवन है, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है f डैश, यस f डैश ऑफ दिस, तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो अंदर फंक्शन में दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये इस इंटरवल के लिए है डैश क्या ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा चेक कर लूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या आउटपुट देता है मेरे को 2 से 3 इंटरवल में, तो सबसे पहले एक बार एक काम करते हैं इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, इसका मतलब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या क्या रहे हैं 1 एंड 3, तो इसका जो कुछ पैराबोला बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, दूसरी बात अपने से कह रहा है जो x की वैल्यू है वो 2 से 3 वेरी कर रही है, तो आपको पता है इसका जो वर्टेक्स है वो 2 पर ही आ रहा होगा मिड पॉइंट पे, तो 2 पर वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर चेक कर लें आराम से, तो 2 × 4 = 8, तो कितना आ रहा है 4 और 3 = 7 माइनस 1 आ रही है, ठीक है ना, तो ये आ रहा है 2, -1, तो यानी कि ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 2 से 3 के लिए, जो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी माइनस 1 से 0, यानी कि इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है माइनस 1 से 0, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब ये क्या कह रहा है देन f ऑफ sin x इज इंक्रीजिंग ऑन,
तो एफ ऑफ साइन एक्स किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा होगा। तो एक काम करो आप, इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं एक और अपन, जी एक्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, एफ ऑफ साइन एक्स। अब आपको जैसा पता है बहुत अच्छे से पता है क्या, कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग चेक करना है या डिक्रीजिंग चेक करना है तो क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, और डेरिवेटिव निकालने के बाद ये चेक करते हैं कि वो जिस इंटरवल में ग्रेटर देन जीरो होगा वो तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, और जिस इंटरवल में नेगेटिव आएगा वो होगा डिक्रीजिंग। तो एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो जी डैश एक्स कितना आ गया अपना, एफ डैश साइन एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से कॉस एक्स। अब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो चेक करते हैं फिर। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपने से क्या कह रहा था ये, एफ डैश ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एक्स कहां से कहां जाएगा, जीरो से पाई बाय टू। तो जीरो से पाई बाय टू के केस में क्या होगा, साइन एक्स की आउटपुट क्या होगी, जीरो से वन होगी, तो जीरो से वन यहां पर आएगा, तो एफ डैश ऑफ जीरो से वन। ये अच्छा, अब अपने को ये तो पता ही था कि एफ डैश ऑफ माइनस वन से जीरो के केस में कैसा है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी सबके लिए क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो इस केस में क्या रहेगा, ये एफ डैश ऑफ साइन एक्स नेगेटिव, किसमें, जीरो से वन इंटरवल में। तो जीरो से वन में एफ डैश ऑफ साइन एक्स कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा आएगा कॉस एक्स जीरो से पाई बाय टू में, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कैसा आने वाला है, ये नेगेटिव आने वाला चाहिए, बट अपने को कैसा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। चलो सेकंड में चलते हैं अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूंगा, तो ये कैसा हो गया, पाई बाय टू से पाई। अब समझ में आ गई होगी बात को कैसे करना है सॉल्व, तो पाई बाय टू से पाई में बताओ क्या होगा, पाई बाय टू से पाई में साइन एक्स क्या आउटपुट देगा आपको, जीरो से वन, क्योंकि साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये दे रहा है जीरो से वन। जीरो से वन में अगेन एफ डैश कैसा होगा, नेगेटिव, और कॉस एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट चल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई से थ्री पाई बाय टू। अब बताओ इसमें क्या होगा, साइन एक्स कैसा आउटपुट देगा आपको, माइनस वन से जीरो, तो ये कैसा होगा, एफ डैश पॉजिटिव, और कॉस एक्स कैसा होगा पाई से थ्री पाई बाय टू में, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो कैसा हो रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। लास्ट क्वाड्रेंट अपन एक और चेक कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ, यानी कि थ्री पाई बाय टू से टू पाई, बोलो इसमें क्या हो जाएगा लास्ट, जल्दी से, थ्री पाई बाय टू से टू पाई में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा आउटपुट देगा आपको, माइनस वन से जीरो, और एफ डैश माइनस वन से जीरो के लिए कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। तो यानी कि ये क्वांटिटी आ रही है पॉजिटिव, और कॉस एक्स की बात करी जाए तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट अपना क्या रहेगा, इंक्रीजिंग का। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा है अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड नहीं, अच्छा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थ्री सही होगा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। हाँ भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अपने को पावर फोर का एक पॉलीनोमियल है, सिंपल है ना, इसके अपने को नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो इसको अपन मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, यस इसको मान लेते हैं अपन फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इस फंक्शन को अपन निकल लिया डिफ्रेंशिएट, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा अपना, एफ डैश एक्स आ गया फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस चौबीस एक्स प्लस वन। ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स को निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि फंक्शन का नेचर कैसा है। तो कितना आ गया, चढ़ दिया बारह, ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, ट्वेल्व कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अच्छा 12x था क्या, 24 प्लस का आएगा, ठीक है प्लस का 2। अब आप देखो ध्यान से, तो f डबल डैश x निकाल लिया अपन ने, तो f डबल डैश x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो d है वो कैसा आ रहा है, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ रहा है, d इसका नेगेटिव आ रहा है, और इसका d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, दैट मींस फंक्शन इज ऑलवेज, ये क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा। यदि f डबल डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि f डैश x कैसा रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यदि f डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और आप देखो ध्यान से, तो f जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, माइनस वन आ रही है, तो f डैश x कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब f डैश x अपना जब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो f x है वो क्या रखता होगा,
एक मिनिमम रखता होगा और यदि एफ एक्स एक मिनिमम रखता होगा, और दूसरी बात एक और अपने को दिखाई दे रही है कि यहां पर एक्स की जो पावर है वो क्या है, हाईएस्ट पावर है वो क्या है, इवन है, तो इसका मतलब, और कोफिशियंट ऑफ एक्स की और 4 कितना है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों पे कैसे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है अपना ग्राफ, तो इसका मतलब अपने को ये फंक्शन जो है कितने बार कट करेगा, दो बार, एक बार दो बार कट करेगा, और दूसरा क्या रखता है, एक मिनिमम रखेगा इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं इसके, तो कितना आंसर आएगा इसका बेटा, 0 2 2, दो रियल रूट रहे होंगे डिस्टिंक्ट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद रियल कोफिशियंट सच दैट एफ एक्स बराबर 0 इज सेटिस्फाइड बाय 1 2 3 ओनली। और अब आप सोचो अपने को निकालना है डेरिवेटिव एट 1 2 3 का प्रोडक्ट, तो पहली बात तो ये समझो आप कि डिग्री 4 है तो इसका मतलब चार रियल रूट आने चाहिए थे, तो अब आपसे कह रहा है वो तीन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कोई एक वैल्यू रिपीट हो रही है, तो अपन जो फंक्शन एफ एक्स है उसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और एक इनमें से कोई रिपीट हो रहा है उसको मान लिया मैंने अल्फा, मल्टीप्लाई कर दिया के से, है ना, कोई भी हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट जो भी रहा हो। तो अब आप देखो, अब इसको आप डिफरेंशिएट करना है, तो जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो इसको करने से ज्यादा समझो आप इस क्वेश्चन को, है ना, क्या समझो कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक बार में से एक टर्म गायब हो जाएगा, यानी कि क्या बन गया ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और एल एक्स कुछ भी मान लो, तो पहली बार में इसको डिफरेंशिएट कर लूं, सेकंड टाइम में इसको, थर्ड टाइम में इसको, फोर्थ टाइम में इसको, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1, क्या बच जाएंगे, ये तीनों बचेंगे, फिर सेकंड टाइम में क्या होगा, ये गायब हो गया और बाकी तीन बच गए, थर्ड टाइम में ये गायब हो जाएगा, ये थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बच जाएंगे, और लास्ट टाइम में वो गायब हो जाएगा। अब होगा क्या, जब आप एफ डैश 1 निकालोगे इसमें, तो एफ डैश 1 निकालोगे तो क्या आएगा, जिसमें से ये गायब हुआ है उसमें ये तीन बच रहे होंगे, सही है ना, तो एफ डैश 1 जब निकालोगे आप, तो अब देखो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, तो आपने एफ डैश 1 निकाला, जो भी वैल्यू आ गई, है ना, जो भी वैल्यू आ गई, तो होगा क्या कि जब एक्स माइनस 1 नहीं आ रहा तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 आएगा। तो एक काम कर सकते हैं आप, यदि ये x माइनस 1 नहीं होगा, कौन सा, अल्फा वाला पार्ट, x माइनस 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, कोई ना कोई इनमें से एक रहा होगा, अल्फा के लिए 2 रही होगी, तो या तो एक काम करते हैं, देखो x की वैल्यू आपने जब f डैश 1 रखा, तो 1 के केस में क्या होगा, यदि अल्फा 1 रहा होगा तो x माइनस 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, तो उसके केस में डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर उसका जो डेरिवेटिव ये आ गया। अब अगली बारी क्या होगा, x माइनस 1 तो हर बार रहेगा रहेगा, तो f डैश 1 क्या आएगा उस केस में, 0, जब आप अल्फा की वैल्यू 2 रखोगे तो उसमें f डैश 1 0 नहीं आएगा, बट f डैश 2 0 आ जाएगा, जब 3 रखोगे अल्फा की वैल्यू तो f डैश 3 के केस में क्या होगा, वो 0 होगा f डैश 3, लेकिन 1 और 2 0 नहीं रहेंगे। तो जब आप f डैश 1 इंटू f डैश 2 इंटू f डैश 3 करोगे तो आफ्टर ऑल जो तीनों का मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, f डैश 1 इंटू f डैश 2 इंटू f डैश 3 इक्वल टू 0। आप इसको एक काम कर सकते हो कि अल्फा की वैल्यू आप एक बार समझ के देखो, अल्फा की वैल्यू आप 1 लो पहले आराम से, अल्फा की वैल्यू 1 लेने के बाद आराम से सोच के देखो इसको क्या बनने वाला है, ये k इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, है ना, मैंने थोड़ी देर के लिए अल्फा की वैल्यू 1 मान ली, ठीक है ना, 1 मानने के बाद मेरा फंक्शन बन गया ऐसा। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला आपने f डैश x, तो कितना आएगा, k इंटू 2 इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, समझ गए ना बात को, प्लस अगली बारी क्या होगा, ये तो एज इट इज फर्स्ट फंक्शन और बाकी इन दोनों का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, और लास्ट टाइम में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब आप इसमें देखो f डैश 1 निकालो, f डैश 1 के केस में ये दोनों 0 हो गए, तीनों ही 0 हो गए f डैश 1 के केस में ना, लेकिन f डैश 2 और f डैश 3 वो नॉन जीरो होगा, किसमें, यहाँ पर f डैश 2 की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी, और जब f डैश 3 निकालोगे तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन f डैश 1 क्या आ चुका है, 0 आ चुका है उस केस में, आ रही मेरी बात समझे, तो f डैश 1 यदि 0 आ चुका है तो तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप मान लो अल्फा की वैल्यू 1 नहीं लेनी साहब मेरे को, 2 लेनी है, तो अल्फा की वैल्यू जब आप 2 लोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, f डैश 2 की वजह से 0 हो जाएगा तीनों के तीनों। जब आप अल्फा की वैल्यू 3 मानोगे तो उसमें f डैश 3 0 आ रहा होगा, तो तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ऑलवेज 0, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन,
तो इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, एक तो वही है क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर वाली तरीका, लेकिन मैं इसको वैसे ना करके एक तरीके से कर रहे हैं अपन, अलग तरीके से। तो देखो क्या होगा, देखो फंक्शन दे रखा है अपने को fx, आप एक काम करो इसको ना थोड़ा सा ब्रेक कर लो, स्प्लिट कर लो ना। कैसे स्प्लिट कर लोगे, 4x² प्लस 8x प्लस 4 और प्लस 9, ब्रेक कर लिया। अब एक काम करो आप छोटा सा प्यारा सा, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 2x प्लस 1, और वो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो गलत तो नहीं है बात। अब इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दो किसको, 6 इंटू 1 प्लस x को। अब ये दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से एक x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया, 2 अपॉन 3 इंटू x प्लस 1, और यहां क्या आ गया, 3 अपॉन 2 और नीचे x प्लस 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, तो ये फंक्शन fx आ रहा है। अब ये जो fx आ रहा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो याद आ रहा है x प्लस 1 अपॉन x क्या रेंज क्या होती थी, माइनस इनफिनिट से माइनस 2, यूनियन 2 से इनफिनिट, और ये आपसे क्या कह रहा है कि x कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। याद आ गया ना, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अपन लगाते थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 आएगी। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है ये देखो, द नंबर ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो एक काम करो, नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो पहले तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस पर एक, तो टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो एक पॉइंट मान लो x1 y1 है ना, या अल्फा बीटा जो चाहे वो मान लो, तो x1 y1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2y y डैश माइनस 4x माइनस का 4y डैश बराबर 0। तो यहां से y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4x अपॉन में 2y माइनस 4, तो कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2x1 अपॉन में y1 माइनस 2, ये आ गया वाई डैश। अब आपसे कह रहा है कि ये इसका स्लोप आ गया, अब आपसे कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो कहां से पास हो रही है, 1, 2 से, तो बताओ क्या लिखेंगे अपन, y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू m, m कितना आया था अभी, 2x1 अपॉन में y1 माइनस 2, ये आ गया, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, अपने को निकालना है नंबर ऑफ टेंजेंट, तो एक काम करो आप, x1 y1 जो पॉइंट है वो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, y1 का स्क्वायर माइनस 4y1, इसको उधर ले जाओ राइट साइड में, तो 2x1 का स्क्वायर माइनस का 8, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें अपन, तो क्या बन रहा है, ये बन गया y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का आएगा 4, वहां जाके हो जाएगा प्लस 4, तो ये बचेगा 2 इंटू x1 का स्क्वायर माइनस का 2 बचेगा, है ना। ध्यान से देखो आप, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 होगा, तो माइनस का 8 बचेगा, उसमें से 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस उसमें 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 2 बच गया, ये आ रहा है। और अपने पास जो वैल्यू है, अपने पास जो वैल्यू वो क्या है, y माइनस 2, यानी कि एक काम कर दो, छोटा सा बताओ क्या करोगे, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है अपने पास, इसको आप देखो ध्यान से, और इसको देखो क्या है अपने पास, y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2 इंटू x1 माइनस। तो सबसे पहली बात देख ली ध्यान से, सबसे पहले काम तो क्या करोगे आप, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है मेरे पास, ये कहां से भी पास हो रही है, x1 y1 से भी पास हो रही है, तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सीधे लिख दो y1 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, होल स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, 2x1 इंटू x1 माइनस 1। अब एक छोटा सा काम करो आप, इक्वेशन दे रखी है आपको ये और ये, दोनों x1 y1 में दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लोगे x1 y1 की वैल्यू, तो यहां से कितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो आप चेक कर लोगे आराम से, कर लोगे, ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एफसीसा ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व वाई बराबर एक्स अपॉन में 1 प्लस x² वेयर द टेंजेंट टू द कर्व हैज द ग्रेटेस्ट स्लोप। तो अपन को क्या करना है, एक कर्व दे रखा है वाई बराबर एक्स अपॉन में 1 प्लस x², और जहां पर टेंजेंट टू द कर्व ग्रेटेस्ट स्लोप होना चाहिए, तो पहले तो एक काम करते हैं अपन, यस, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन में 1 प्लस x², ठीक है, मैक्सिमम स्लोप निकालना है, तो एक काम करो आप, पहले तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो y डैश कितना आ जाएगा बोलो, 1 इंटू 1 प्लस x² माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ऊपर वाला नीचे वाले का होल स्क्वायर, कितना आ गया, माइनस का 2x² प्लस का x², तो 1 माइनस क्या बच गया, x² और नीचे आ गया 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस 1 आ रहे हैं,
तो प्लस माइनस वन पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और फंक्शन कैसा है, ये ऑड है, तो ऑड फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन ग्राफ सिमेट्रिक होगा, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो एक काम करो, प्लस वन और ये माइनस वन, ठीक है, तो यहां पर क्या है, डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, करें लिख दूं मैं फटाफट थोड़ा सा, माइनस वन प्लस वन, ठीक है, और यहां क्या है, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, माइनस एन कॉमन लेना पड़ेगा ना, माइनस एन कॉमन लेने के बाद तो माइनस प्लस माइनस आ गया, तो यानी कि वन के बाद फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो वन पर वैल्यू क्या है, वन के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है ऐसे, क्योंकि जब मेरा एक्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो उस केस में क्या होगा, आप ऊपर नीचे एक्स डिवाइड कर दो पहले, तो वन अपॉन में क्या आ गया, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स, तो जब एक्स इन्फिनिट को टेंड करेगा तो ये जीरो को टेंड कर रहा है, और माइनस इन्फिनिट टेंड कर रहा है, टेंड करेगा जब एक्स, तब बी किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, इसलिए तो ग्राफ जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। तो आपको करना है मैक्सिमम स्लोप किस पॉइंट पे रहा होगा, तो दो तरीके हैं, या तो आप ग्राफ से देख लो, या सिंपली आप चेक करना चाहो किससे, आपने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो आप, तो एफ डेल्टा एक्स कितना आ गया बताओ आपके पास, एफ डेल्टा एक्स, या फिर एक काम करें छोटा सा बताओ क्या करें, आपके पास वाई डैश आ गया, और ये वाई डैश क्या है आपके पास, स्लोप है इस फंक्शन का, तो इस स्लोप को अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, ग्रेटेस्ट स्लोप निकालना, मैक्सिमाइज करना है, तो एक काम करो, इसको स्लोप को आप मान लो एम, क्या मान लो एम, तो एम बराबर आ गया आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कुछ नहीं मत करो, डीएम अपॉन डीएक्स निकाल लो, डीएम अपॉन डीएक्स निकालने के बाद बस ये चेक कर लो किस में स्लोप मेरा बढ़ रहा है, कहां पे ज्यादा आ रहा है, तो करें डिफरेंशिएट, बताओ क्या आएगा, माइनस का टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर वाले का कितना हो जाएगा टू एक्स, तो ये हो गया फोर एक्स इंटू ऊपर वाला यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना आपको, डीएम अपॉन जी डीजे निकाल दिया है, इसको आप चेक करना है कहां पे बढ़ रहा है कहां पे कम हो रहा है, कर लोगे आराम से चेक, तो बस ये वाला काम करना है आपको। तो ये था आपका जेई मेन का सॉल्यूशन, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, कोई डाउट आता है तो अपना ऐप पर भेज सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।